Assalamu alaikum bachcho, this is our course applied physics. So मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ नबील अली. सो हम जो है जो बुक फॉलो करेंगे ये दो बुक्स हैं, यूनिवर्सिटी फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स वॉल्यूम 2 यंग एंड फ्रीडमैन की 14th एडिशन या इससे अबव आपको जो भी मिलता है. उसके अलावा फिजिक्स वॉल्यूम 2 हेलिडे रेजनिंग एंड क्रेन की 5th एडिशन. ओके, तो जो आज का लेक्चर है, लेक्चर 1 था हमारा, अनफॉर्चुनेटली लेट हो गया. तो उसके एजेंडे में हमारे पास ये चीज़ें हैं जो हमने स्टडी करनी है. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसकी बैकग्राउंड क्या होती है, कूलम्स लॉ के बारे में, दो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान, मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज के दरमियान, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं हम, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मोशन है चार्ज पार्टिकल की वो किस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं. गेट टू इलेक्ट्रिक चार्ज. सो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली प्रॉपर्टी है मैटर की, लेट्स से मास, आप मास जैसे कि आप कह सकते हैं मास. सो ह्यूमंस जो हैं वो डायरेक्टली इसको चार्ज को सेंस नहीं कर सकते, जबकि कुछ एनिमल्स हैं लाइक कैट्स वो इस चार्ज को सेंस कर सकती हैं. सो हम जो है वो इसके इफ़ेक्ट्स की वजह से मैटर के ऊपर इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो यूजुअली हम चार्ज को डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू से, और इसकी यूनिट जो है वो सी मीन्स कूलम, क्योंकि कूलम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. सो दो तरह के हमारे पास चार्ज होते हैं, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है, जिसमें पॉजिटिव को प्रोटॉन कहते हैं और नेगेटिव को न्यूट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और न्यूट्रल को हम कहते हैं न्यूट्रॉन. सो जो लाइक चार्जेस हैं, जो मीन्स के एक जैसे चार्जेस हैं, वो आपस वो चार्ज जब उनको आप पास लेके जाएंगे तो वो एक दूसरे को एक फोर्स एग्जर्ट करेंगे और रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. सो हम नेक्स्ट, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के, एनर्जी कंजर्व किस तरह से होती है. नेट अमाउंट ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज इन एनी प्रोसेस. अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है, फिजिकल फिनोमेना हो रहा है, तो जो नेट चार्ज होता है, जो पूरा चार्ज होता है, टोटल चार्ज जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल जितने भी आपके पास चार्जेज हैं, वो थ्रू आउट सेम रहते हैं. सो चार्जेज आर क्वांटाइज्ड, कम इन यूनिट्स ऑफ ई इज इक्वल टू 1.6 क्रॉस 10 रेस टू पावर माइनस 19 कूलम. तो ये इलेक्ट्रॉन की आपके पास जो है वैल्यूज है कूलम में, एक क्वांटाइज्ड चार्ज की. सो एलिमेंट्री पार्टिकल हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो अनचार्ज होता है, न्यूट्रल होता है बेसिकली. सो इसकी वैल्यूज आपको गिवन है, ये एक हीलियम एटम है और उसके अंदर जो है दो न्यूट्रॉन है, दो प्रोटॉन है, और आउटर शेल में उसके दो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है. सो लेट्स गेट टू कूलम्स लॉ. अब कूलम्स लॉ क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स. अगर आपके पास दो हैं, वो कोई से भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सो उनमें जो फोर्स है वो किस तरह से हम कंप्यूट या कैलकुलेट कर सकते. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2. Q1 एंड Q2 आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक चीज़ों का पता होगा, वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, जो आप FSE में पढ़ के आए होंगे. सो हम इसमें दो तरह की फोर्सेस हैं, फोर्स ड्यू टू टू Q2 ऑन 1 जो आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, और फोर्स ड्यू टू 1 on 2 जो आप राइट साइड पे देख सकते हैं. तो दो चार्जेस हैं आपके पास, और ये जो R12 फैक्टर है ये बेसिकली दोनों के दरमियान डिस्टेंस है. सो जो आपके पास मैग्नीट्यूड आता है वो, लेट से आप F12 का लेते हैं, तो F12 इज इक्वल टू के आपके पास कांस्टेंट है, Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, मैग्नीट्यूड वैल्यू लेंगे, और जो डिस्टेंस है उसको हम स्क्वेयर कर देंगे. सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the magnitude of both charges and inversely proportional to the radius square of the
distance between the point charges. So R12 is the distance between the charges. So K ki value aapke paas hai 9 into 10 raised to power 9 newton meter square divided by पर कूलम स्क्वायर। आप इसको ये भी कर सकते हैं और इसको हम 1/4 पाई एप्सिलन नॉट से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि एप्सिलन की वैल्यू नॉट जो है वो भी एक कॉन्स्टेंट है और उसकी वैल्यू है, ये बेसिकली परमिटिविटी इसको हम कहते हैं एप्सिलन नॉट को, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। नेक्स्ट चलते हैं जी, उसी पे ही है अभी। ये आपके पास बेसिकली ऑफिशियल आपकी स्टार्टिंग इक्वेशन है जो आपने याद करनी है, और कहीं भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं इसकी वैल्यू। लेट से ये आपके यू में फार्मूलेट द ऑफिशियल स्टार्टिंग इक्वेशन डिफरेंट वेरिएबल्स, कोई भी वेरिएबल्स में आप इसको जहाँ पे आपको यूज़ करनी है वो वहाँ पे आप इसको इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं टर्मिनोलॉजी को चेंज करके। सो कूलम्स लॉ स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली, इट इज़ अ गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर स्मॉल यूनिफॉर्मली चार्ज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, स्मॉल यूनिफॉर्मली चार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए ये गुड अप्रोक्सीमेशन है और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है आपके पास कूलम लॉ। लेट्स से ये आपके पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है एक नेगेटिवली चार्ज है, R12 इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है। सो अब आपके पास किसी और तरह की सरफेस आ जाती है तो उसमें इस तरह से आपके पास मोर देन टू चार्जेस आर इन्वॉल्व, द नेट फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज इन सम मीन्स के आप इंडिविजुअली हर एक की जितने भी पॉइंट चार्जेस हैं उनकी आप फोर्स निकालेंगे और फिर उन सबको सम कर देंगे, तो ये आपके पास टोटल फोर्स आ जाएगी, और इस प्रोसेस को हम सुपरपोजिशन भी कहते हैं। फॉर ऑब्जेक्ट्स विद कम्प्लेक्स शेप्स यू मस्ट एड अप ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन ईच सेपरेट चार्ज। सो ये चीज़ हम देखेंगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कम्प्लेक्स शेप आ जाती है तो उस पर हम किस तरह से उसको कंप्यूट या कैलकुलेट करें। सो एक एग्जांपल हम लेते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज चार्ज है हमारे पास Q1 इज इक्वल टू प्लस क्यू इज लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ डी अलोंग द वाई एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन। ए सेकंड पॉइंट पॉजिटिव चार्ज Q2 इज इक्वल टू प्लस क्यू इज लोकेटेड एट द ओरिजिन एंड ए नेगेटिव चार्ज इज Q3 इज इक्वल टू माइनस टू क्यू इज लोकेटेड ऑन द एक्स एक्सिस ए डिस्टेंस 2d अवे फ्रॉम Q1। कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू द अदर टू चार्जेस। सो इसको हम कंप्यूट करते हैं, ये बेसिकली आपके पास Q1 आ गया, दूसरा चार्ज आपके पास Q2 आ गया, पास उसका मैग्नीट्यूड भी हमने लिख दिया साथ, और इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है। अब एक तीसरा ये हमारे पास वाई एक्सिस आ गई, ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ गया। अब वो कह रहा है कि जी एक्स एक्सिस पे 2d पे हमारे पास एक Q1 चार्ज है और आपने नेट फोर्स फाइंड करनी है Q1 पे ड्यू टू द अदर टू चार्जेस। ये जो Q1 है हमारे पास, इस पे जो Q2 और Q3 जो अब नेक्स्ट हमारे पास ये है, इसकी वजह से जो फोर्स है Q1 पे इन दोनों की वजह से वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, तो Q3 हमारे पास है माइनस